आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको राम लक्ष्मण की बहुत ही अच्छी कहानी सुना रही हूँ। कहानियाँ तो राम लक्ष्मण की बहुत हैं, आज मैं आपको उनमें से एक सुना रही हूँ। राम लक्ष्मण के लड्डुओं की पूजा शरद पूर्णमासी को की जाती है। डेढ़ पाव खोवा, डेढ़ पाव शक्कर मंगाना चाहिए और उनके 6 पिघला बनाना चाहिए, एक भगवान के दिवाले के लिए, एक पति के लिए और एक के करना चाहिए 6 भाग तुलसी, तुलसी की क्यारी, गऊ गऊ के ग्वाल और चलती फिरती बालकों को प्रसाद देना चाहिए। उसके बाद बचते हैं 3 पेड़े, तो एक आप अपने लिए रखिए, एक सहेली से बदल लीजिए, एक कोई लेना चाहे तो उसको दे दीजिए, नहीं तो सबको प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। आज मैं आपको बड़ी ही सुंदर कहानी सुना रही हूँ, सुनिए। एक घर में एक भौरा और भौरिया दोनों रहते थे। भौरा कहता घुनो घुनो, घुने से काम घुने से काम। भौरिया कहती नहीं, कछु घुनो कछु राम कथा करो, कछु घुनो कछु राम कथा करो। तो दोनों की इसी पे लड़ाई होती रहती। भौरा तो हमेशा घुनता ही रहता, वह तो घुन ही निकालता रहता और खाता रहता, और भौरिया अपने भगवान का नाम जपती रहती, सत्यनारायण भगवान की हमेशा कथा कहती रहती, सत्यनारायण भगवान का नाम लेती रहती, हे नारायण हे नारायण हे नारायण आप ही हो। और भौरा से भी हमेशा कहती कि कुछ घुनो कछु राम कथा कहो, पर घुना भौरा कहता नहीं, घुने से काम। इसी तरह दोनों अपना जीवन यापन कर रहे थे। होते होते दोनों की वृद्धावस्था आ गई और दोनों मरणासन हो गए। तो भौरिया का समय आ गया तो भौरा अकेला रह गया। भौरिया जाने लगी तो भौरिया ने भगवान से कहा कि भगवान, हमने पूरी ज़िंदगी अगर आपसे सच्चे मन से अपने पति आपकी सेवा की है तो हम अपने पति को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुमने हमेशा ही सत्यनारायण भगवान का नाम लिया है, हमेशा ही जपा है हे नारायण हे नारायण हे नारायण, तो हम आपके पति को भी अपने ही संग ले चलते हैं। और सत्यनारायण भगवान की कृपा से दोनों को वैकुंठ में वास मिला। इसीलिए हमें शरद पूर्णमासी के दिन राम लक्ष्मण के लड्डुओं की पूजा करना चाहिए। धन्यवाद।